सबसे पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। इसका मतलब है मरता हुआ सूरज। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सूरज के बारे में अब ये बात कही जाती है या ये ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट का है कि उसमें जो मौजूद गैसेस और लिक्विड्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो एक दिन जो सूरज है उसकी वजह से बुझ जाएगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मौजूद वो ईंधन या फ्यूल जिससे वो एक बर्निंग फायर है वो उसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो ऐसे है द डाइंग सन, ये है एक एक्सप्लोरेटरी ऐसे। एक्सप्लोरेटरी ऐसे क्या होता है? जिसमें राइटर एग्जामिन्स एन आइडिया और एक्सप्रेशन, जैसे कि इस ऐसे में सर जेम जीन्स जो है वो इस चीज की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या हमारी जमीन के अलावा कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। इंफॉर्मेटिव होता है, इसमें हमें स्पेस के हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। एंड डज नॉट नीड टू रीच एन आंसर, और इसके एंड पे वो कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकाल सके हैं। ये जब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको खुद का आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि इस ऐसे में हमें नजर आते हैं सर जेम्स जीन्स व्यूज अबाउट द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, आर अर्थ एंड लाइफ। उनके इस यूनिवर्स के बारे में, किस तरह से हमारी जमीन जो है वो एग्जिस्ट हुई उसके बारे में, और फिर लाइफ की बिगिनिंग कैसे स्टार्ट हुई, उनके क्या व्यूज हैं, हमें वो जानने को मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज, कि जमीन के अलावा इस पूरी यूनिवर्स में जो और बहुत बड़ी बड़ी प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद हैं, क्या उनमें जिंदगी मौजूद हो सकती है या क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। और लेकिन इस ऐसे के बारे में दो बहुत मेन चीजें हैं जो कि हमें समझ में आती हैं, वो ये कि एक तो ये कि ये ओनली अजम्पशंस हैं, उनके मफरूजे हैं, उनके ख्याल हैं, उन्होंने गेस किया है, नो स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रियलिटी और फैक्ट्स, कि अपनी बातों को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजंस नहीं है। लेकिन फिर भी एक इंफॉर्मेटिव ऐसे है जिससे हमें बहुत सारी बातों का जवाब मिल जाता है, और ऐसा लगता है कि जो सर जेम्स जीन्स हैं वो बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं या उसको फॉलो करते हैं।